बजट पर भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव कुमार का बयान, समृद्धिशाली एवं स्थायी सरकार का परिचायक बजट। विप्लव देव, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने को भी बताया मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। स्टार्टअप के लिए सस्ता लोन, नए भारत की पहचान को दर्शाने वाला। किसी भी क्षेत्र में टैक्स को नहीं बढ़ाने को भी समर्थन और समृद्धि सरकार की पहचान बताया। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा हरियाणा के प्रभारी ने बेहतरीन बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार। आज की बजट बहुत ही एक समृद्धिशाली और स्थायी सरकार की परिचायक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टार्टअप में नई जनरेशन के लिए जो सहज किस्ती में लोन की व्यवस्था, ये नए भारत की पहचान को दर्शाता है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना काल के रहते हुए भी ये काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में हो पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। और साथ ही साथ अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी भी क्षेत्र में टैक्स को नहीं बढ़ावा देना, ये स्थायी सरकार और समृद्धिशाली सरकार की पहचान है। और पूरे देश भर में 4 करोड़ के आसपास घर अभी बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसका लक्ष्य बढ़ा के और भी 2 करोड़ घर देने का जो बंदोबस्त किया गया है इस बजट में, ये बहुत ही बेहतरीन काम है कि घर देना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव वालों को रास्ता देना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को पहुंचाना, ये जो मूलभूत सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल में पहुंचाया पूरे देश भर में, इस बजट में वो दर्शाता है और इसका रिजल्ट भी दिखता है। और आगे भारत किस रूप में जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल सेक्टर में हो, सभी तरफ और सर्वोपरि महिला सशक्तिकरण की जो रूपरेखा इस बजट में प्रस्तुत हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2-3 जातियों के स्वरूप इस बजट में दिखाई दिया, एक महिला के लिए, एक गरीबों के लिए, एक किसानों के लिए, और जो अंतिम है वो युवाओं के लिए। मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं एक सकारात्मक और ऊर्जावान बजट लाने के लिए। धन्यवाद। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।